अजमेर डिस्कॉम एमडी के निर्देश पर हाथी भाटा पावर हाउस में विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में बिजली संबंधी विभिन्न समस्याएं सामने आई। जनसुनवाई एमएल मीना चीफ इंजीनियर द्वारा ली गई। उन्होंने बताया कि 15 समस्याएं सामने आई है, जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संभवतः रूप से सभी समस्याओं को दूर किया जाए। इस दौरान बिजली की बिल संबंधी कनेक्शन ट्रांसफर पीसीआर व अन्य समस्याएं सामने आई। ऐसे में सभी अधिकारियों को समय बाद रूप से समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय एमडी साहब के लेवल की जनसुनवाई एक मंगलवार छोड़ के दूसरे मंगलवार को होती है, उसी की पहल में ये जनसुनवाई एमडी स्तर की हो रही है। उसमें अभी तक हमारे 15 प्रकरण आ गए। मोटे तौर पे प्रकरण बीसीआर, नाम चेंज, लाइन शिफ्टिंग और जो जन मानस से संबंधित शिकायतें आती है, जैसे ट्रांसफॉर्मर रास्ते में है, इस तरह की एक कुछ सजेशन की भी हमारे पास शिकायत आई है। और इसमें ज़्यादातर देखा जाए तो ये है कि लाए हमारे एक तो बीसीआर की और एक लाइन शिफ्टिंग की, ये मेजर समस्या आई है, जिनमें 4-5 मुख्य पे ही अभी आज ही दिखाया जाएगा। 2 समस्या आज दूर हुई है, 2-3 के एस्टिमेट बनाकर शिफ्टिंग का प्रॉपर अधिकारी से स्वीकृति लेके कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ मीटर्स पुराने हो चुके हैं, क्या उन्हें भी बदलने की प्रक्रिया विद्युत निगम की ओर से की जाएगी या की जा रही है? पुराने मीटरों की, हमारे ऐसे पुराने मीटर का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल या एक चक्री वाले मीटर बोलते थे, उनकी हमारे चरणबद्ध तरीके से बदल रहे हैं। चक्री मीटर का तो पुराना ऑर्डर है कि बदलने ही है, और कहीं पे कोई रह रहा है तो हम उसको चेक करवा के उनको शीघ्र ही बदलवाएंगे। स्मार्ट मीटर का भारत सरकार, राज्य सरकार की स्कीम है, उसके तहत एक हमारा वर्कोडर EESL द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें अभी तो बंद हो गया है। लेकिन सारे ही जो शहरों में, फिर बड़े गांवों में और कस्बों में ये स्मार्ट मीटर लगाते हुए सभी के स्मार्ट मीटरों की प्रक्रिया होगी, उसको समयबद्ध रूप में कर पाएंगे। 3 से 4 साल के बीच में मीटर टोटल स्मार्ट मीटर पर आना है।